उत्तर प्रदेश में लव जिहाद करने वालों को अब जेल जाना पड़ सकता है। योगी सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ कानून का रास्ता साफ कर दिया है। योगी कैबिनेट में गैर कानूनी धर्म परिवर्तन अध्यादेश पास हो चुका है, जिसमें दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी आबादी को दूसरी सबसे बड़ी आबादी के कट्टरपंथ से खतरा बढ़ता जा रहा है। ये खतरा लव जिहाद का, जिसे देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बड़ी पहल की। यूपी सरकार ने यूपी लॉ बोर्ड की सिफारिश के मुताबिक जबरन धर्म परिवर्तन रोकने के लिए कानून बनाने का फैसला किया है। इस कानून के बनने के बाद सिर्फ शादी के मकसद से लालच देकर या गलत मंशा से धर्म परिवर्तन कराना मुश्किल होगा। पूरे हिंदुस्तान में लव जिहाद की फैलती मुसीबत को रोकने की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार ने पहला कदम बढ़ा दिया। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 जो कि आवश्यक है और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को सम्मान्य रखने के लिए, इंसाफ दिलाने के लिए महिलाओं को और विशेष रूप से जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, उन लोगों को जो एक इंसाफ मिलेगा, उस पर एक बड़ा फैसला कैबिनेट ने लिया है। किसी भी धर्म से किसी भी धर्म में जबरन परिवर्तन के खिलाफ बनाए जा रहे इस कानून में जबरन धर्म परिवर्तन कराना संज्ञेय अपराध होगा। पीड़ित का परिवार शिकायत कर सकेगा। मर्जी से धर्म परिवर्तन के लिए डीएम से 2 महीने पहले इजाजत लेनी होगी। धोखे से धर्म परिवर्तन करके की गई शादी या निकाह अपराध होगा। दोषियों को 10 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान होगा। टीम न्यूज़ नेशन।